उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज रुड़की के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने अटल आयुष्मान योजना का शुभारंभ किया। रुड़की पहुंचे मुख्यमंत्री पहले विधायक प्रदीप बत्रा के आवास पर पहुंचे, उसके बाद उन्होंने सोलानी पार्क व गंग नहर का निरीक्षण किया। बाद में मुख्यमंत्री नेहरू स्टेडियम पहुंचे और जनता को आश्वासन दिया कि फरवरी के अंत तक 23 लाख गोल्डन कार्ड बनवाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अटल आयुष्मान योजना कैशलेस योजना है, जो उत्तराखंड के 110 अस्पतालों में उपलब्ध है और 1 लाख प्रतिदिन कार्ड बनाए जाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि अब उत्तराखंड सरकार द्वारा किसानों को 0% ब्याज पर कर्ज दिया जाएगा और महिला समूह को भी 0% पर ऋण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रुड़की के बस अड्डे और गंग नहर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, साथ ही राजकीय इंटर कॉलेज की व्यवस्था में सुधार भी किया जाएगा और उन्होंने रुड़की विधानसभा के लिए 20 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की। आयुष्मान उत्तराखंड योजना का हरिद्वार जनपद में इसका शुभारंभ हो रहा है और जब ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं, ये कार्यक्रम इसलिए आयोजित किए गए हैं ताकि इस योजना का जो हमारा मकसद है कि अपने राज्य के 23 लाख के लगभग जो परिवार हैं, उन सभी परिवारों का इस योजना से उनको लाभ दे सके। और आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, पहले तो अपना गोल्डन कार्ड बनाए और उसके बाद हम एक एक आदमी का, एक एक परिवार का गोल्डन कार्ड बनाए। इसी तरह से वो भी एक परिवार का आगे बनाएंगे, अगले वाले एक और परिवार का बनाएंगे। एक बने एक बनाए। अगर हम इसको, हम लोग इस फॉर्मूले के आधार पर काम करेंगे तो मुझे विश्वास है कि हम फरवरी माह के अंत तक, हमारी कोशिश है कि सारे 23 लाख परिवारों के कार्ड बन जाए। रुड़की को सौगात दे के गए हैं 18-20 करोड़ की लागत से। इसके अलावा रुड़की में रुड़की के बीच जो गंग नहर बह रही है, इसका सौंदर्यीकरण होगा और रुड़की को पर्यटक स्थली के रूप में विकसित किया जाएगा, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री घोषणा करेंगे। इसके अलावा और भी कई सारी घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री भी करेंगे। रुड़की के आगमन पर आज आयुष्मान योजना ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो योजना का लाभ मिले और हमारा उत्तराखंड जो है स्वस्थ परिवार, ये उत्तराखंड, ये हमारे मुख्यमंत्री का मानना है और सबका साथ। हमारे सरकार चल रही है और लगातार काम।